मैं गेटवे ऑफ इंडिया बोल रहा हूँ। मैं भारत देश और भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई की एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक धरोहर हूँ। मैं भारत देश के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक हूँ और पिछले 100 सालों से अरब सागर के तट पर स्थित हूँ। और भारत की ऐतिहासिक धरोहर की गाथा मेरे यहाँ आने वाले हर एक पर्यटक को सुना रहा हूँ। मैं सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का रुतबा रखता हूँ। मैं भारत के समृद्ध इतिहास और वास्तुकला का एक दृढ़ उदाहरण हूँ। मैं वही हूँ जिसमें से होकर ही अंग्रेज भारत आए थे, और मैं वही संरचना हूँ जिसका निर्माण किंग जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी क्वीन मैरी के सम्मान में किया गया था जब वे अपने भारत दौरे पर थे। आज मैं देश के एक लोकप्रिय आकर्षण में से एक हूँ। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान निर्मित मुझे मुंबई का ताजमहल भी कहा जाता है। मैं मेरे अनूठे डिजाइन और अद्भुत वास्तुकला के कारण भारत में सबसे अधिक देखी जाने वाली जगहों में से एक हूँ, और अपने प्रभावशाली इतिहास के कारण साल भर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता हूँ। मेरी इस विशाल संरचना का निर्माण 1924 में किया गया था। अपोलो बंदरगाह के तट पर स्थित मैं बंबई बंदरगाह को दिखाता हूँ, जो कोलाबा जिले में अरब सागर से घिरा है। मैं एक ऐसा स्मारक हूँ जो भारत के प्रमुख बंदरगाहों को चिन्हित करता है और भारत आने वाले आगंतुकों के लिए एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। ब्रिटिश शासन के समय में मैं भारत में ब्रिटिश राज्य की भव्यता का प्रतिनिधित्व करता था। मेरी कुल निर्माण लागत उस समय 21 लाख थी और पूरा खर्च भारत सरकार ने दिया था। मैं पर्यटकों के लिए एक पसंदीदा स्थान होने के कारण यहाँ विक्रेताओं, खाद्य स्टॉल और फोटोग्राफों को ज्यादा आकर्षित करता हूँ। समर सेटेलाइट इन्फेंट्री की पहली बटालियन के गुजरने को मेरे यहाँ पर हुई पहली मुख्य घटना के रूप में दर्ज किया गया है। यह समारोह 28 फरवरी 1948 को आयोजित किया गया था। अगर मेरे इतिहास की बात करूं तो मेरे निर्माण की योजना दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार से पहले किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की मुंबई यात्रा के उपलक्ष्य में बनवाई गई थी। हालांकि उन्हें केवल स्मारक का एक कार्डबोर्ड मॉडल देखने को मिला, क्योंकि निर्माण तब शुरू नहीं हुआ था। 31 मार्च 1913 को बॉम्बे के गवर्नर सर जॉर्ज सिडेनहैम क्लार्क ने मेरी आधारशिला रखी। 31 मार्च 1914 को वास्तुकार जॉर्ज विटेट द्वारा मेरा अंतिम डिजाइन प्रस्तुत किया गया था। जिस भूमि पर मुझे बनाया गया था वह पहले एक कच्चा जेट था जिसका उपयोग मछली पकड़ने वाले समुदाय द्वारा किया गया था, जिसे बाद में पुनर्निर्माण किया गया था और ब्रिटिश गवर्नर और अन्य प्रमुख लोगों के लिए लैंडिंग के स्थल के रूप में उपयोग किया गया था। 1915 और 1919 के बीच अपोलो पोर्ट में उस भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए काम शुरू हुआ, जिस पर प्रवेश द्वार और नई समुद्री दीवार बनाने की योजना थी। मेरा निर्माण कार्य 1920 में शुरू हुआ, जो 4 वर्षों बाद यानी 1924 में बनकर पूरा हुआ। 4 दिसंबर 1924 को वायसराय अर्ल ऑफ रीडिंग ने मेरी इस स्मारक का उद्घाटन किया और उसी दिन मुझे लोगों के लिए खोल दिया गया था। धन की कमी के कारण मेरे समीप प्रस्तावित रोड नहीं बनाया गया था। स्कॉटिश वास्तुकार जॉर्ज विटेट ने रोमन विजय मेहराब और गुजरात की 16वीं शताब्दी की वास्तुकला के तत्वों को मिलाकर मेरी संरचना तैयार की थी। मुख्य रूप से इंडो सरे सैनिक वास्तुकला शैली में निर्मित मेरी स्मारक का मेहराब मुस्लिम शैली का है, जबकि सजावट हिंदू शैली की है। मुझे पीले बेसाल्ट और प्रबलित कंक्रीट से बनाया गया है। मेरी इस स्मारक में लगे पत्थर स्थानीय है, जबकि छिद्रित स्क्रीन को ग्वालियर से लाया गया था। मेरा प्रवेश द्वार अपोलो बंदर की नोक से मुंबई हार्बर की ओर जाता है। केंद्रीय गुंबद का व्यास 48 फीट और मेरा उच्चतम बिंदु जमीन से 83 फीट ऊपर है। मेहराब के प्रत्येक तरफ 600 लोगों की क्षमता वाले बड़े हॉल बने हैं। मेरा निर्माण कार्य गैमन इंडियन लिमिटेड द्वारा किया गया था, जो उस समय सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मान्यता प्राप्त भारत की एकमात्र निर्माण कंपनी थी। अगर मेरे बारे में कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बात करूं तो भारत को आजादी मिलने के बाद अंतिम ब्रिटिश सेना मेरे द्वार से होकर ही वापस गई थी। मैं अरब सागर से होकर आने वाली जहाजों के लिए भारत का द्वार कहलाता हूं। मेरे निर्माण में कुल 21 लाख रुपए का खर्च आया था और संपूर्ण खर्च भारत सरकार द्वारा उठाया गया था। मेरे 4 बुर्ज हैं जिसे जाली से बनाया गया था। मैं मुंबई शहर की भव्यता को परिभाषित करता हूँ, जो ऐतिहासिक और आधुनिक सांस्कृतिक वातावरण दोनों की परिणति है। मेरे सामने मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगी है, जो मराठाओं के गर्व और साहस के प्रतीक को दर्शाती है। आपको बता दूं, मेरी ऊंचाई 8 मंजिल के बराबर है। अगर आप मेरे यहाँ घूमने आते हैं तो मेरे आसपास भी आपको बहुत सारी जगह घूमने को मिल जाएंगे, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय,
अलीबाग फेरी, भारतीय संग्रहालय जहाज विक्रांत, बोवेन मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च, पार्वती विला, भारत के जहांगीर आर्ट गैलरी, इनके बारे में भी मैं आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी देता हूं ताकि आपको सुविधा रहे। कोलाबा कॉजवे मार्केट। कोलाबा कॉजवे मार्केट में गेटवे ऑफ इंडिया के पास घूमने के लिए एक रोमांचक जगह है जो गेटवे ऑफ इंडिया से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कोलाबा कॉजवे मार्केट सड़क के किनारे की दुकानों की एक श्रृंखला है। ब्रिटिश युग की पुरानी इमारतों से घिरा कॉजवे पुरानी संरचनाओं के बीच नए जमाने की जीवन शैली के रुझानों के विपरीत रंगों को चित्रित करता है। आप यहां से बहुत कम दरों पर कपड़े खरीद सकते हैं। ब्रिटिश समय से कई फैशनेबल बुटीक और इमारतें हैं जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। आप खरीदारी में यहां से विभिन्न फैशन स्टोर और बुटीक जैसे ऑरेंज, बॉम्बे इलेक्ट्रिक, अटारी, सिल्वर हाउस और बहुत कुछ ले सकते हैं। मेरे आसपास घूमने की जगह उसमें मार्केट भी शामिल है। खाने के शौकीन लोगों के लिए एक आदर्श जगह है क्योंकि यहाँ कई स्ट्रीट फूड स्टॉल भी हैं जहाँ पर्यटक विभिन्न भोजन का आनंद ले सकते हैं। हाथी गुफा। हाथी गुफा मेरे पास घूमने के लिए अच्छी जगह मानी जाती है। हाथी गुफा तक पहुंचने के लिए अपोलो बंदर से एलिफेंटा द्वीप के लिए मोटर बोट से जाना पड़ता है। ये द्वीप गुफाओं के बड़े समूह और चट्टानों की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की मानी जाती है। हाथी गुफाओं के प्रवेश द्वार पर स्वामी विवेकानंद और महाराज शिवाजी की मूर्तियां स्थापित हैं। यहाँ ताजमहल होटल भारत का सबसे प्रतिष्ठित और शानदार होटल है। नेहरू विज्ञान केंद्र। आप नेहरू विज्ञान केंद्र में कला कार्यक्रमों, विज्ञान प्रदर्शनियों और कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटनाओं को देख सकते हैं। अगर आप विज्ञान की भावना वाले व्यक्ति हैं तो आपको ये स्थल बहुत ही पसंद आएगा। यह चार राष्ट्रीय स्तर के विज्ञान संग्रहालयों में से एक है और उसमें से पश्चिमी क्षेत्र का मुख्यालय है। आपको यह स्थल देखकर बड़ा गर्व महसूस होगा। आप यहाँ कला कार्यक्रमों, विज्ञान प्रदर्शनियों और कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटनाओं को भी देख सकते हैं। बालकेश्वर मंदिर। यह बाण गंगा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध बालकेश्वर मंदिर दक्षिण मुंबई में मालाबार हिल के पास में स्थित है। ये शहर का सबसे ऊंचा स्थान भी है। मंदिर के नजदीक एक छोटा तालाब है जिसका नाम बाण गंगा टैंक है। इस मंदिर की कथा रामायण से जुड़ी है और बाण गंगा नाम पौराणिक कथा से जुड़ी एक कहानी से लिया गया है। मंदिर में अमावस्या और पूर्णिमा का दिन बड़ी भीड़ रहती है। यह मंदिर एक महत्वपूर्ण हिंदू कहानी से जुड़ा है। कथा के अनुसार भगवान राम ने इस मंदिर में पूजा किया था और वैज्ञानिकों का कहना है कि यह मंदिर 3000 वर्ष से भी ज्यादा पुराना है। मरीन ड्राइव। गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मरीन ड्राइव मुंबई का एक आकर्षक जगह है। ये स्थान हमेशा पर्यटकों से भरा रहता है और मुंबई का सबसे लोकप्रिय स्थान माना जाता है। यह स्थान शानदार सूर्यास्त देखने के साथ साथ शाम को समुद्र के पास आराम करने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक माना जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। 1900 में स्थापित हुआ यह संग्रहालय मुंबई में एक प्रसिद्ध संग्रहालय है। संग्रहालय की स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य एडवर्ड 8 और प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा के लिए उनका स्वागत करना था। यह स्थल मेरे निकट ही स्थित है। पहले संग्रहालय पश्चिमी भारत के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1998 में छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय का नाम दिया गया। संग्रहालय के प्रमुख आकर्षण में 50,000 से ज्यादा कलाकृतियां और मूर्तियां हैं जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करती हैं। इसके अलावा आप यहाँ संग्रहालय के चारों ओर फैला खूबसूरत उद्यान की सुंदरता का आनंद भी ले सकते हैं। अगर मेरे यहाँ घूमने के सबसे अच्छे समय की बात करूं तो मेरे यहाँ साल में किसी भी समय घूमा जा सकता है, लेकिन मेरे यहाँ घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच का समय माना जाता है। इस महीने के दौरान मौसम काफी सुहावना और सुखद रहता है जो स्थान को और भी आकर्षक बनाता है। अब बात करते हैं आप मुझ तक कैसे पहुंच सकते हैं जिससे आप मुझ तक पहुंचने में कोई दुविधा ना हो। जैसे कि मैं भारत की महानगरी मुंबई में स्थित हूँ तो मेरे यहाँ आने के लिए आपको हर तरह की सुविधा मिल जाएगी। आप चाहे जिस मार्ग से मुझ तक पहुंचे, सड़क, रेल मार्ग या हवाई मार्ग के अलावा मैं समुद्र मार्ग से भी अच्छी तरह से जुड़ा हूं। आप इनमें से चाहे किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। अगर आप मेरे तक ट्रेन से आना चाहते हैं तो छत्रपति शिवाजी जंक्शन पर मुंबई में मध्य, पूर्व और पश्चिम भारत की ट्रेनें चलती रहती हैं। यहाँ उत्तर भारत की ट्रेनें मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर आती रहती हैं। पर्यटकों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह भारत के किस हिस्से से आ रहे हैं, लेकिन यह दो स्टेशनों से मुझ तक पहुंचना बहुत आसान है क्योंकि मैं बहुत ही प्रसिद्ध स्थल हूँ।
अगर आप मेरे तक आने के लिए सड़क मार्ग का चुनाव करते हैं तो आपको बता दें कि मुंबई हमारे भारत का प्रमुख शहर होने के कारण सड़क के माध्यम से भारत के सभी मुख्य शहरों के साथ कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। दूसरे राज्यों से भी यहाँ बसें मुंबई सेंट्रल बस स्टेशन पर आती रहती हैं। एशियार्ड बस स्टैंड पर आपको उतर के वहां से टैक्सी द्वारा आप मुझ तक पहुंच सकते हैं। आप अपनी निजी कार के माध्यम से भी ड्राइव करके सड़क मार्ग से आसानी से मुझ तक पहुंच सकते हैं। अगर आप हवाई जहाज से आना चाहते हैं तो आपको बता दें कि मुंबई में 3 हवाई अड्डे हैं, जिसमें छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा, सांता क्रूज घरेलू हवाई अड्डा और मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शामिल है। आप अपनी सुविधा और विस्तार के मुताबिक हवाई अड्डे पर उतर सकते हैं। उसके पश्चात गेटवे ऑफ इंडिया के लिए एक टैक्सी ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरे बारे में संपूर्ण जानकारी और आशा करता हूँ आप मेरी ये कहानी आपको पसंद आई होगी और मुझे पूरा भरोसा है आप मेरी इस ऐतिहासिक इमारत को देखने जल्द ही आने वाले हैं। इसी के साथ मुझे बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही अगर आप पहले यहाँ पर आकर गए हैं तो आपका अनुभव कमेंट में लिखकर जरूर साझा करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं।